एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं अनुमैया और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सारी शिक्षा के इतिहास के पार्ट थ्री का ये वीडियो है। इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू आ गया है। इसको देखने के पहले पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देख लीजिए। तो ये आज पार्ट थ्री वीडियो है। इसमें वही टॉपिक बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी सेलेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हमें शुरू करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत देश में सारी शिक्षा के क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन किन कौन सी संस्थाएं उत्पन्न हुई, कहां तक चली। तो सबसे पहले हम जानते हैं ताराचंद कमेटी के बारे में। दोस्तों, ताराचंद कमेटी की गठन जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसी ताराचंद कमेटी की सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे बन जाता है कि ताराचंद कमेटी का गठन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पर हुआ? तो यहाँ पे आंसर होगा ताराचंद कमेटी के सुझाव पर। कहाँ हुआ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है केंद्रीय परामर्श बोर्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय परामर्श बोर्ड, जनरल एडवाइजरी बोर्ड, इसकी स्थापना 1950 में किया गया। किस लिए किया गया? शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए किया गया। तो केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना कब किया गया? 1950 ईस्वी में। किस लिए किया गया? शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए। और इस बोर्ड में सदस्यों की संख्या हम जानते हैं। तो इस बोर्ड में सदस्यों की संख्या पहला है सभी राज्यों से एक एक सदस्य, दूसरा है भारत सरकार द्वारा मनोनीत शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ, और तीसरा है भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मंत्रालय से अध्यक्ष तथा सचिव। इतने लोग इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय परामर्श बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि केंद्रीय परामर्श बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस टाइम, ठीक। और केंद्रीय परामर्श बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा, खेल व मनोरंजन तथा युवा वर्ग के विकास के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देना था। क्या था? कि केंद्र सरकार जो था, तो केंद्र सरकार को एक क्या इसका काम था कि शारीरिक शिक्षा हो गया, खेल हो गया, मनोरंजन हो गया और युवा वर्ग का विकास हो गया, इन सब के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार को, ठीक। इस बोर्ड ने 1966-67 में राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर कार्यक्रम समस्त भारत के विद्यालयों तथा सारी शिक्षा संस्थानों में लागू किया। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन होता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने, यानी केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 1966-67 में। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को हर्टों समिति की सिफारिश पर पुनर्स्थापित किया गया। इसको किसकी सिफारिश पर? हर्टों समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना 1953 में हुआ था, जिसमें अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया
जाता था। यह हम क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राजकुमारी अम्बेडकर कोचिंग स्कीम में क्या क्या रहता, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें जब ऑप्शन रहेगा कि अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, तो वो ऑप्शन उसमें सही होगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, 1954 ईस्वी में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुआ था, 1954 में, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार और विभिन्न खेल संघों के बीच एक समन्वय के रूप में कार्य करना। क्या था उद्देश्य, केंद्र सरकार और विभिन्न खेल संघ, उन संघों इन सब के बीच एक समन्वय के रूप में कार्य करना, देश में खेलों के स्तर की को और विकसित करना तथा विश्व दर्शन के स्थान पर भारत दर्शन को महत्व देना, एक अर्थ था इसका। तो मुख्य पॉइंट याद कर लीजिए, 1954 में इसका स्थापना हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, और अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जनरल के एम करियप्पा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्थापना 1954 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई, बट प्रथम अध्यक्ष थे जनरल के एम करियप्पा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जनरल के एम करियप्पा। इस समिति को 1983 में समाप्त कर दिया गया था, इतना सब होने के बाद भी 1983 में इस समिति को समाप्त कर दिया गया था, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, जिस समय समाप्त कर दिया गया था, विद्याचरण शुक्ल उस समय के एक सांसद थे। और पुनः शुरू कब किया गया, 1983 में तो इसको समाप्त कर दिया गया, बट पुनः शुरू इसको 2002 में किया गया, और उस समय विजय कुमार मल्होत्रा इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो 2012 में IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके थे, ये कौन, विजय कुमार मल्होत्रा। तो इसको समिति को 1983 में समाप्त कर दी गई और पुनः शुरू 2002 में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन योजना का गठन कब किया गया, 1956 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी, ये अक्सर पूछा जाता है, और इसकी शुरुआत माका ट्रॉफी की यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत 1956-57 में हुआ, जो अखिल भारतीय स्तर पर खेलों में उच्च कोटि के प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, माका ट्रॉफी जो है वो भारतीय स्तर पर मतलब ऑल इंडिया लेवल पर उच्च सर्वोच्च स्थान लाने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, और इस पर मैं वीडियो आगे वीडियो बनाऊंगी, इसमें शॉर्ट आंसर मैं दी हूँ, क्योंकि मैं भारत में स्वतंत्रता के बाद जो जो विकास हुआ है उसका शॉर्ट में डिटेल में अध्ययन करा रही हूँ। तो नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई विद्यालय की स्थापना ताराचंद कमेटी के सुझाव पर 1957 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंध था उस टाइम से। इसमें देखिए दोस्तों, बस एक लाइन का है बट तीन चार क्वेश्चन बन जाता है, मैं इस पर आगे लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय यानी LNUPE पे विधिवत वीडियो लाऊंगी आगे। तो अभी शॉर्ट में बस देख लीजिए कब स्थापना हुआ था, किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1957 में, मतलब ये तीन चार क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं,
लक्ष्मीबाई सारी शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस समिति के सुझाव पर हुआ था? तो एक ताराचंद कमेटी के सुझाव पर हुआ था। तो यहाँ विशेष ध्यान रखने वाला बात है कि किस कमेटी के सुझाव पर लक्ष्मीबाई सारी शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो ताराचंद कमेटी के सुझाव पर, जो उस समय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध था। ठीक। और इसके पहले आचार्य जो थे लक्ष्मीबाई सारी शिक्षा महाविद्यालय के, पहले आचार्य पी एम जोसेफ। ये 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। किस समय? 1967 में। नेक्स्ट है एडहोक इंक्वायरी कमेटी या तदर्थ इंक्वायरी कमेटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना 1958 में डॉक्टर ए एल श्रीमाली के प्रयास से हुआ। किसके प्रयास से? डॉक्टर ए एल श्रीमाली के प्रयास से 1958 में हुआ एडहोक या तदर्थ इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी द्वारा 7 मई 1961 को पटियाला की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब याद रखने की ज़रूरत है कि कौन किसके कमेटी द्वारा स्थापना किया गया। तो पटियाला जो है, यानी सेनाई नेताजी सुभाष राष्ट्रीय स्पोर्ट संस्थान जो है, वो 7 मई 1961 को स्थापना की गई। बट किसके किस कमेटी के सुझाव पर? तो एडहोक इंक्वायरी कमेटी, यानी तदर्थ इंक्वायरी कमेटी, जांच कमेटी के अनुसार सुझाव पर इसको बनाया गया। तो ये याद रखने लायक टॉपिक है। और इसमें एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था एडहोक तदर्थ इंक्वायरी कमेटी में। और कोचिंग में डिप्लोमा के बाद अब यह संस्थान जो है, जो पटियाला है, वो अब मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की उपाधि देना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है कुंजरू समिति। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हुआ। इसको भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में स्थापना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कुंजरू समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में। किसके द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर, भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में किया था इस समिति की स्थापना। इस समिति का कार्य जो है, सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। क्या करना था इसका कार्य? सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय हो गए, उन सब पर सरकार को सुझाव देना था। और 1963 में ये अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर कार्यक्रम शुरू किया। ठीक। जो सारी भारतवर्ष में 9 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया। ठीक। और 1963 से 1965 में अध्यापकों को विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण कराकर कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया तथा शारीरिक शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया। और एनसीसी की स्थापना पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा ही हुआ। एनसीसी की स्थापना किसके द्वारा हुआ? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। और 1948 में हुआ। नेक्स्ट है कौल कपूर समिति। कौल कपूर समिति की स्थापना 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। किसके किसके द्वारा? एम के कौल और एम एन कपूर। इसको एम के और एम एन कपूर दोनों को विधिवत याद कर लीजिए। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन देता है कि जैसे, मतलब पूछेगा कि कौल कपूर समिति की स्थापना कौन किया, तो चार ऑप्शन देगा। तो शुद्ध नाम अगर याद किया आपको पता नहीं होगा तो आप ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। तो शुद्ध नाम याद कर लीजिए। तो किसने किया था? 1960 ईस्वी में कौल कपूर समिति का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? एम के कौल और एम एन कपूर नामक अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के 2 सदस्यों द्वारा किया गया, जो 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक में
पर्यवेक्षकों के रूप में गए थे तथा उन्होंने कई देशों का दौरा भी किया, कोलकपुर समिति वाले, ठीक। और 1961 में भारत सरकार को अपनी ये रिपोर्ट सौंपी कौन, कोलकपुर समिति ने। फिर इसमें और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरी को जाता है, उनके सुझाव पर ये NCC की स्थापना हुआ था। कब? 1948 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में, जो खेलों में उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसे तो सबको मालूम ही होगा। और नेक्स्ट है सी डी देशमुख कमेटी का गठन जो है 1963 में हुआ, कब हुआ? 1963 में। और इस समिति का मुख्य कार्य था शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के विद्यालय तथा विश्वविद्यालय में विकास की प्रक्रिया की जांच करना। क्या मुख्य कार्य था? खेलों के, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, इन सब में इसके विकास की जो प्रक्रिया है उसकी जाँच करना ही सी डी देशमुख कमेटी का काम था, जिसका गठन 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण खेल योजना की शुरुआत 1970-71 में हुआ, जिसको कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट है नेहरू युवा केंद्र, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। जैसे हो गया नेक्स्ट है नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में, ठीक। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। अक्सर बहुत सारे चीज़ों का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो उसको मैं जितने भी सारे फुल फॉर्म हैं उनको एक वीडियो में मैं कंफर्म करूँगी, पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो NSS का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1969 में। तो NSS का शुरुआत 1969 में भारत में। इसका नेक्स्ट है भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत कब से हुई? तो 1911 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा इसकी शुरुआत हुई। आया तो 1909 में ही था, बट इसकी शुरुआत हुआ 1911 में एनी बेसेंट द्वारा, ठीक। तो नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1973 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत कब हुई? 1975 में। नेक्स्ट है नौवीं एशियाई खेल की शुरुआत, खेल कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1982 में नई दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था बताइए? 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक, वहीं से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई फेडरेशन यानी SAFE, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था, जिसका संचालन कौन करता है? SAOC यानी साउथ एशियन ओलंपिक गेम्स करती है SAFE का संचालन। और फिर 2004 में SAOC यानी साउथ एशियन ओलंपिक गेम्स ने SAFE गेम्स का नाम बदल कर, यानी साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स से सेफ से हो गया SA यानी साउथ एशियन गेम कर दिया, मतलब साउथ एशियन फेडरेशन गेम से नाम बदल कर 2004 में SAOC ने क्या कर दिया? सेफ को SA में बदल दिया, साउथ एशियन गेम्स में। नेक्स्ट है 1955 में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई? 1955 में, ठीक। और नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जो सभी जानते हैं 1985 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में बोले तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में साई। तो ये तीन प्रकार से पूछ सकता है, तो तीनों को विधिवत याद
कर लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। तो इसकी स्थापना साल की कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय खेल नीति। नई राष्ट्रीय खेल नीति की शुरुआत कब हुई? 2001 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में। और एफ्रो एशियन गेम्स कब शुरू हुआ था? 2003 में। एफ्रो एशियन का मतलब अफ्रीका और एशिया दोनों का सम्मिलित गेम, ठीक ना। और नेक्स्ट है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951 में। नेक्स्ट है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। और नेक्स्ट है नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1938 में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1954। नेक्स्ट है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी भी स्थापना 1954 में भी हुआ था, ठीक। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स दोनों की स्थापना 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन 1945 में हुआ था। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम, राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1959-60। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, वैसे तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बंगलोर में बनाई गई? तो 1978 में, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बंगलोर में स्थापित? तो 1978 में। नेक्स्ट है नेशनल डिसिप्लिन स्कीम एनडीएस, एनडीएस क्या फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, जेके भोसले द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें मैंने स्वतंत्रता के बाद जितने भी संगठन हुए हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उन सब का इसमें वर्णन की हूँ। और इससे दो पहले दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 हैं, ये तीनों पार्ट में मैंने भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास में क्या क्या है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पूर्ण डिटेल में वर्णन हुआ है। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।